हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल एडियो ग्रेड। और हम आ चुके हैं हमारे पार्ट टू में। तो जैसा कि आप सबने देखा, पार्ट वन हमने फिनिश कर दिया था पहले पांच क्वेश्चनों के साथ, और मेरे बच्चों बढ़ चुके हैं बाकी के क्वेश्चनों के लिए। तो बिना कोई वक्त जाया किए देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स? फन टू फाइव तक तो सर सब कर लिया था मैंने, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से। ओके, तो जिसने भी पहला पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा जल्दी जल्दी जाके पार्ट वन वाला वीडियो देखो। और अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सिक्स में? अ ब्लर इमेज, एक ब्लर इमेज बन गई है जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा है स्क्रीन के दूर, है ना। तो ये इस करार कुछ ब्लर इमेज आ रही है, धुंधला धुंधला उसको दिख रहा है। ओके, इस तरह का डायग्राम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट एडजस्टमेंट वुड यू डू इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ टू ऑब्टेन अ क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज ऑन द स्क्रीन। डिस्टिंक्ट यानी प्रॉपर दिखे, अच्छे से दिखे। इसके लिए आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या चेंज करेंगे, और दूसरा बोल रहा है कि फोकल लेंथ में क्या चेंज करेंगे। पहला बोलता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या चेंज करेंगे, दूसरा बोलता है कि फोकल लेंथ में क्या चेंज करेंगे। तो बच्चों को हमारे पता ही है कि सर देखो पहले ये इमेज बन क्यों नहीं रही, सही है, उसका रीजन बता करो। तो आपको पता चलेगा सर ये देखो ये स्क्रीन पे मिल ही नहीं रही है, मेरी जो रे है वो स्क्रीन पे मिलनी चाहिए। अब क्या करेंगे स्क्रीन के मिलाने के लिए? भैया देखते रहो ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, हो ऐसा कर इस ऑब्जेक्ट को क्या कर थोड़ा पास ला दे, क्या कर दे पास ला दे। तो क्या होगा, ये रे जो अभी मिल रही है ये थोड़ा दूर जाके मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? पहले थोड़ा दूर हो जाएंगी फिर एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। तो तेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाना है, उसको स्क्रीन के पास लाना है, यहां पे स्क्रीन नहीं बोलूंगा लेंस के पास लाना है। तो अब तू खुद बता दे, पहले तेरा ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब यहां पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ा या घटा? पहले यहां था तो ज्यादा डिस्टेंस था, लेकिन अब यहां आ गया तो डिस्टेंस कम हो गया। तो यही हमारा आंसर है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं डिक्रीज करूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिक्रीज करूंगा यानी ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा, तो क्या होगी सर, इमेज जो है वो मेरे स्क्रीन पे आ जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब सर अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हड़ी ना करके फोकल लेंथ पे करनी हो तो क्या करेंगे? देख बेटा फोकल लेंथ में आंसर है फोकस। क्या है फोकस? फोकस वो पॉइंट है जहां पे रेस मिलती है आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मेरी रे को मुझे क्या करना है, कुछ भी करके स्क्रीन पे मिलाना है। तो बेटा कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता अगर ये स्क्रीन का जो फोकल लेंथ है बराबर, या मैं बोलूंगा इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होता, है ना। वो ज्यादा होता तो क्या होता, ये लाइंस को और ज्यादा फोकस करा पाता, और दूर फोकस करा पाता। तो मैं चाहता हूं ये मेरी रे है ये दूर जाके मिले, उसका लेंस दूर इसको फोकस कर पाए। तो दूर फोकस करने के लिए फोकल लेंथ को दूर करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, यस मेरे बच्चे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ को इंक्रीज करेगा ना तू, तो रे जो है वो सीधा जाके कहां मिल जाएगी, स्क्रीन पे। सिंपल सोबर आंसर लिखना है बेटा, क्या लिखना है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी डिक्रीज्ड, है ना। फिर ऐसा लगे ते को डॉट डायपन दिखाना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पास में ला देना और यहां पे रे मिलती हुई बता देना, इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर दो मार्क में क्वेश्चन आपको आता है तो सिर्फ यही लिख देना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिक्रीज करना है, सेकंड फोकल लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ ज्यादा होता तो ये ज्यादा दूर का देख पाती। तो समझ, अभी ऑब्जेक्ट ने यहीं पे फोकस कर दिया और स्क्रीन यहां पे है, मतलब फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ ज्यादा होता तो स्क्रीन पे फोकस हो जाता, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन, जरा इसको देख लेते हैं। डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ी गहरी बात पूछ ली इन्होंने यहां पर, एंड एक्सप्लेन द मीनिंग। मीनिंग तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, मीनिंग जय भार में, पहले समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, क्या है? एक रेशियो है जो तुलना करके बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाती है, ओके वो हो जाती है द नंबर या द इंडेक्स या द रेशियो, द इंडेक्स नहीं लिखेंगे, द रेशियो लिखेंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, इन मीडियम वन या इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम भी लिख सकते हो। मैं यहां पे लिखूंगा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तू पूरा लिखना बेटा एग्जाम में, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वेरी गुड मेरे बच्चे. आगे क्या पूछा है, ऑन विच फैक्टर डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है बेटा दो चीजों पे, दो चीजों पे है ना, दो चीजों पे कैसे डिपेंड करता है. पहला स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा होता है डेंसिटी. दूसरा होता है डेंसिटी, या मैं बोलूं स्पीड ऑफ लाइट तो बात की बात है, वो डिपेंड करता है सर डेंसिटी पे. किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम के, मीडियम की डेंसिटी क्या है. सेकंड आप लिख लो कि सर उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कौन से डेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्योंकि उसकी फॉर्मूला में आपने पढ़ा हुआ था n इज इक्वल टू सी बाई वी. क्या था बेटा, n इज इक्वल टू सी बाई वी, n इज द रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है. तो v यानी वेलोसिटी है ना ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है एक, तो दूसरा स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मीडियम में जा रही है, आ रही, निकल रही है उस पर. ओके, तो ये डेंसिटी पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि बेटा देख तू खुद बात बता, मेले में अगर लोग भीड़ ज्यादा होगी तो क्या होगा, मेले में भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो लाइट को स्पीड में डिक्रीज होना पड़ेगा, है ना, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. तुम खुद मेले में जा रहे हो, मेले में क्या होगा, तुम जाओगे तो भीड़, तुम्हारी जो भीड़ की वजह से तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. लेकिन जैसे ही मेले के बाहर निकले, डेंसर से रेयर मीडियम में गए, तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, है ना, बूम 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 करके बढ़ाने लग जाओगे. तो उसी तरह से हमारा लाइट का भी खेल होता है. एक बोला स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां प्रिंट होना रह गया, मैं बता दूं, एन वन टू विद रिस्पेक्ट टू एन टू वन, है ना. अभी एन वन टू एन टू वन होता क्या है, पहले मुझे यही बता दो आप, तो मुझे मेरा किस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा, मेरा किस्सा खत्म हो जाएगा. क्या है एन वन टू बेटा, देख एन वन टू है क्या, पहले उसको समझ ले, थोड़ा सा तेरा टाइम लूंगा मैं यहाँ पे, क्वेश्चन बड़ा मस्त है इसके लिए. एन इज इक्वल टू सी बाई वी, एन और वी दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल में है. कैसे है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में, यानी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि कौन से मीडियम की लाइट को तुम कितना हड़ी कर सकते हो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, लिख के ले ले डायमंड का, 2.43. इसका मतलब डायमंड लाइट की स्पीड को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है जब वो उसके अंदर एंटर होती है. तो तू बेटा खुद बता दे, यहां पर अगर मैं लिखूंगा सिंपल एन वन टू, क्या लिखता हूं एन वन टू, तो देखो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, वी वन और वी टू, है ना, V1 और V2, 12 का 21 कर दे. अब इसको याद रख ले, 12 का 21 क्या हो जाएगा, 12 का 21 हो जाएगा, 12 का 21 हो जाएगा. अगर मैंने लिखा है N12 वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो वो आता है V2 अपॉन V1, क्योंकि इसके हिसाब से तू क्या लिखेगा, N12 यानी क्या, 1 ऊपर और N2 यानी क्या, नीचे. लेकिन हमने देखा कि ये जो वेलोसिटी है ये मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स प्रोपोर्शनल में, इनवर्स यानी उल्टा. तो देख जो 2 वाला है वो कहां आएगा, ऊपर, 1 वाला है वो कहां आएगा, नीचे. देखो सिंपल, ज्यादा याद ना रखना हो तो ये होता है N12 V2 by V1, है ना. चल बता दे, अगर तुझे आ गया है तो बता दे N21 का क्या होगा, N21 यानी क्या, N21 में तुम V को उल्टा कर दो, V12. सर मेरे को याद नहीं हो रहा मैं क्या करूं, बेटा कुछ मत कर, है ना, 12 दिखे तो 21 कर दे, 21 दिखे तो 12 कर दे. सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ना पता चले, अभी अंत का समय आ चुका है ना. तो तू सिंपल कर ले, N12, देखो उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, क्या पूछा था कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड है N1 into N21, है ना. तो यहां पे आ जाएगा N12 यानी विद रिस्पेक्ट टू N21. बता N12 क्या है, V2 upon V1. अच्छा V2 upon V1. अच्छा N21 क्या है, 21 है सर V1 upon V2. क्या है, V1 upon V2, ठीक है, V1 upon V2. अच्छा तो सर क्या होगा, क्या होगा सर, V1 V1 cut, V2 V2 cut, क्या बचेगा, 1 बचेगा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान. तो तेको पूछा है what is the magnitude, क्या पूछा है, what is the magnitude, क्या है magnitude भाई इसका, N12 और N2 का आंसर आना चाहिए 1. कैसे आया 1, ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो अभी के लिए इसको याद कर लो. 1-2 बोले तो वेलोसिटी का उल्टा कर देना, V2 upon V1, 2-1 बोले तो 1-2 कर देना. क्यों उल्टा किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल में है. इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, ऐसा याद रख ले. जय श्री कृष्ण, आगे करो आगे करो. क्या बोले, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन जरूर आ सकता है, जरूर आ सकता है. अच्छा उसके आगे भी पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैप विद डायग्राम. समझना इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने पार्ट वन में भी इसकी चर्चा की थी, पार्ट टू में भी इसकी चर्चा करने का समय जो है वो आ चुका है. पहला क्वेश्चन पूछा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका आंसर कैसे लिखेगा, इसका सबसे दो ही लॉ है सर, दो पोस्टुलेट है. सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, सबसे पहला पोस्टुलेट बेटा तेको ये कहता है, ओके ध्यान दे रहे, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, पहला पोस्टुलेट कहता है
ऑल द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नहीं है, गलती हो गई मेरी, रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का लॉ पूछा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, नॉर्मल के बाजू में एक लाइन लिख देने की टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन यानी क्या बेटा, जरा इसको समझ ले अच्छे से, डायग्राम बना के बता देता हूं मैं तुझे, क्या है डायग्राम में इसका, जरा अच्छे समझना, एकदम गौर फरमाना पूरी ताकत से, क्या है, मान लेते बेटा रिफ्रैक्शन होता कब है, पहले इसको दिमाग में डाल लो, रिफ्रैक्शन तब होता है जब हमारे वेलोसिटी ऑफ लाइट में, मीडियम में क्या होता है, चेंज आता है, मीडियम बदलता है तो प्रकाश की गति बदलती है, लाइट की स्पीड भी बदलती है, तो ये गति में चेंज आया, लाइट में, लाइट की स्पीड में चेंज आया, तो रिफ्रैक्शन बोला आपने उसको, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक मीडियम है, रेयर मीडियम, ये मान लो डेंसर मीडियम, कोई भी मीडियम हो सर, हमको पता है कि यहां पे मान लेते हैं लाइट आई, क्या आई, लाइट आई है, ऐसे तो लाइट जाती है आमतौर पर, लेकिन यहां आई, आई यानी इंसिडेंट हुई, क्या हुई, इंसिडेंट हुई बेटा, जहां पे लाइट इंसिडेंट होती है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को तू बोल दे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोल दे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या निकलेगा तेरा, नॉर्मल, नॉर्मल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, जो मैं एकदम परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे मैं बनाता हूं, तो क्या होगा बेटा, यहां से ये इंसिडेंट रे थी आईआर, इंसिडेंट रे, अब रेरर से डेंसर है, बच्चों को पता है रेरर से डेंसर जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ी ऐसे मुड़ गई, जाना इसको सीधे चाहिए था लेकिन ये थोड़ी मुड़ गई, इस मुड़ने वाली रे को आप कहते हो रिफ्रैक्टेड रे, क्या कहते हो, रिफ्रैक्टेड रे। तो सर ये पहला लॉ मुझे समझ में आ गया, पहला लॉ में कोई दिक्कत, कोई आशंका, कोई डाउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि ये सर ये नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है, तीनों एक ही सेम प्लेन में आते हैं, सेम प्लेन में एक ही साथ आते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ बड़ा चतुराई है, चतुराई की जरा समझो, एग्जाम में एक मार्क में पूछ लेंगे आपको, सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स जी ने दिया था इसे, स्नेल्स जी ने क्या कहा था, क्या कहा था कि द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन कॉम्पोनेंट, द रेशियो ऑफ साइन कॉम्पोनेंट, द रेशियो ऑफ साइन कॉम्पोनेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन ऑफ आई, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है ना, कि जितने पे लाइट आई होगी, इंसिडेंट हुई होगी, एंगल है, और बोले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, उसका जो साइन कंपोनेंट होता है, साइन आप पढ़ते हो बेटा मैथ्स में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपको ऑलरेडी डिटेल में आएगा जब आप साइंस लोगे टेंथ के बाद, अभी बच्चों को पता है साइन कंपोनेंट क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, लेकिन वो साइन कंपोनेंट यहां नहीं है, वो कुछ अलग साइन कंपोनेंट है, लेकिन अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि स्नेल्स लॉ ऐसा होता है, क्योंकि अब हम एंड गेम पे आ चुके हैं, हमारे पास डिटेल में समझने का टाइम नहीं है, ऊपर ऊपर समझेंगे, मावा खाएंगे, मलाई खाएंगे, मौज मस्ती मारेंगे, लो साइन ए अपॉन साइन आर कितना हो गया, कॉन्स्टेंट, क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, बेटा कॉन्स्टेंट यानी क्या, इनकी वैल्यू में चेंज आता नहीं है, नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे इसके लिए बढ़ेंगे क्योंकि अब हमको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो बेटा ये एक्टिविटी तुझे बतानी पड़ेगी, जो पिन वाली एक्टिविटी है ना बुक में, कि हमने चार पिन रखी, कुछ दिखी कुछ नहीं दिखी, पहले नहीं स्ट्रेट दिख रही थी, जैसे ही रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आया तो अलग हो गई, बराबर मुझे अलग दिखी, लेकिन वो तो वहीं पे थी, वही वाली एक्टिविटी तुझे यहां पे बतानी है, कैसे बतानी है मैं बता देता हूं, समझो पहले डायग्राम अच्छे से सीख लो, चीजों को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना सीख लो, यहां पे आपको बना देना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्या बना देना है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्या बना दोगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना दोगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाने के बाद इसको नामकरण कर दो, जल्दी जल्दी नामकरण कर दो, क्या है नामकरण, नामकरण में नाम दे दो, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी, यहां पे दे दो नीचे सी और डी, अब मान लो ये ऊपर वाला एयर है, ये बीच वाला ग्लास है, और नीचे फिर वापस एयर है, यानी सर यहां पे मेरे को लगभग लगभग कितने केस दिख रहे हैं, तीन, दो केस तो बनी जाएंगे, एयर यानी रुकावट कैसी, कम या ज्यादा, हवा में रुकावट कम होती है, रेरर मीडियम है, कैसा मीडियम है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर यानी ज्यादा खिंचा खिंचा, इसके अंदर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में, याद करो सॉलिड आपने पढ़ा था क्लास 9 में, और एयर के अंदर वापस से यहां पे क्या आ जाता है, रेरर मीडियम, क्या आ जाता है, रेरर मीडियम, तो सर जैसे ही मेरी लाइट आएगी, जैसे ही मेरी लाइट आएगी, जैसे ही मेरी लाइट आएगी, लाइट आई यानी इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट हुई, अब आपको पता है मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेरर से डेंसर हो रहा है, तो रेरर से डेंसर होता है तो आप सबको पता है, रेरर से
डेंसर होता है तो आप सबको बताया बेंड और बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, वही तो रिफ्रेक्शन है। तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, जब भी लाइट जाए रेरर से डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। कैसी मुड़ेगी, है ना, कैसी मुड़ेगी सर, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ वो मुड़ेगी। नॉर्मल को यहां पे नाम दे दो एन एन डैश, क्या दे दो एन एन डैश। अब लाइट ने जो भी एंगल बनाया है, समझना ध्यान से, यहां पे गहराइयों को समझो, क्या यहां पे लाइट ने जो एंगल बनाया है, यहां पे जो बनाया है उसको आप दे दो आई, एंगल आई, इसको दे दो एंगल आर, क्या दे दो एंगल आर। अब जरा समझो, लाइट थोड़ी ग्लास के अंदर रुकी रहेगी सर, लाइट तो बाहर भी जाएगी, लाइट तो बाहर भी जाएगी, है ना। तो जैसे ही ये बाहर जाएगी, जैसे ही ये बाहर जाएगी केस बदल जाएगा डेंसर से रेरर। और आप सबको पता है जब लाइट जाती है डेंसर से रेरर, ज्यादा रुकावट वाली जगह से कम रुकावट वाली में जाती है, तो सर वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर भाग जाती है। कैसी भाग जाती है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। नॉर्मल इस लाइट का जेल है, नॉर्मल इस लाइट का जेल है, वो भाग जाती है, है ना। अब देखो ये लाइट को पहले कहां चले जाना चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था। हालांकि देखो ये मेरी गलती यहां पे ऐसे है कि मैं इसको यहां से बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन यहां से इस बीडी पे इसको आना नहीं चाहिए, आप अच्छे से बनाना, ठीक है। तो यहां पे मैंने इस लाइट को सीधा निकल जाना चाहिए था। अगर इसकी जिंदगी में क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, अगर इसकी जिंदगी में कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं आता तो लाइट क्या करती, सीधे सीधे निकल जाती, नहीं सीधे जा नहीं रही है, अच्छा सीधी बनाई भी नहीं है, कोई बात नहीं, ना ना ज्यादा टेढ़ी हो गई, ठीक है। ये लाइट ऐसे निकल गई, अगर इसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिंदगी में नहीं आया होता तो। लेकिन सर यहां क्या हुआ, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आ गया, है ना, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बदल गई, ये थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई अपने गोल से, है ना। इट विल बेंड, अब देखो आप सबको पता है डेंसर से रेरर में जाती है लाइट, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, कैसी जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, कैसी जाएगी, दूर दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर। देखो ये वाली क्या थी, पास आ रही थी, ये बोलती मैं तो दूर जाऊंगी, बोलती मैं तो दूर जाऊंगी। अच्छा यहां पर जो एंगल बना और यहां पर जो एंगल बना, दोनों में जरा अंतर है, क्या अंतर जरा देख लो, ये एंगल आ रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, ये एंगल ऑफ ई है, क्यों, क्योंकि अब यहां से लाइट निकली, निकली को फिजिक्स में कहते हैं इमर्ज हुई, क्या हुई, इमर्ज हुई। अब अगर आप ऊपर से देखते तो आपको लगता कि भाई लाइट तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन जब आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा लाइट तो यहां जा रही है। तो जो पिन वाला एक्टिविटी था, आपने यहां पर पिन रखा होगा, मान लो पी और क्यू बराबर, और यहां पर मान लेते आपको ऐसा लगता कि सर ये तो सीधा दिखना चाहिए था मुझे, पहले रेक्टेंगुलर ग्लास नहीं था, सीधा दिख रहा था क्योंकि कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ था, रिफ्रेक्शन हो नहीं रहा था। लेकिन जैसे रिफ्रेक्शन हुआ, यहां पे मान लेते हैं आर और एस, ये मुझे अलग दिखने लगा, कैसा दिखने लगा, अलग दिखने लगा। ये नॉर्मल लाइन एन एन है तो इसको एम और एम डैश बोल दो, क्या बोल दो, एम और एम डैश बोल दो, है ना। तो आपको क्या लिखना है, फॉर सर्फेस ए बी, है ना, द इंसिडेंट रे पी क्यू एंड द रिफ्रेक्टेड रे, इसको नाम दे दो एक्स वाई, एक्स वाई रिफ्रेक्टेड रे बराबर, एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। फिर लिख दो एज इन सी डी बराबर, देयर इज इन डेंसर टू रेरर मीडियम, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये जो लाइट मेरी पहले जा रही थी, मान लो जो लाइन पी क्यू है और जो लाइन आर एस है, उनमें बड़ा अंतर आ गया, बड़ा चेंज आ गया, बड़ा डिस्प्लेसमेंट आ गया, बड़ी दूरी आ गई, और इस डिस्प्लेसमेंट को आप कहते हो डी, जिसको डी कहते हो, और यही डी होता है बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या तो इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और या तो इसको क्या बोल देते हैं, लेटरल शिफ्ट। शिफ्ट यानी क्या, मुड़ना, बदलना, अलग होना बराबर। ये जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन ये यहां से क्या हो गई, मुड़ गई, तो शिफ्ट हो गई, तो इसी घटना को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो मतलब सर मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुई, दो प्रकार की हुई, रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर, है ना। अगर सर इसके बीच में मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो याद रख ले बेटा, लास्ट पार्ट वन में बताया था, क्या बताया था, कि अगर मीडियम चेंज ना हो, ये मीडियम भी एयर है और नीचे वाला मीडियम भी मान लो एयर है, तो लाइट जैसी आई है वैसी चली जाएगी, उसके मीडियम में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि सर हमने पढ़ा मीडियम में चेंज होगा तभी तो क्या होगा, रिफ्रेक्शन, वरना रिफ्रेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जरा भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही सर एयर, एयर जो है यहां पे थी, अब यहां पे आ गया बराबर, एयर यानी सेम मीडियम था तो कोई रिफ्लेक्शन हुआ नहीं। और एक और चीज याद रखना, अगर आप लोगों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट किया है, नहीं किया हो तो शॉर्ट्स जाके देख लो, हमने चैनल पे अपलोड किए हुए शॉर्ट्स, लाइव प्रैक्टिकल लर्निंग देते एकदम, तो प्रैक्टिकली बच्चों को हमने सिखाया हुआ है कि जब आप उसको 90 डिग्री मारते हो, कैसा मारते हो, 90 डिग्री, मान लो यहां पे दो मीडियम है, अगर आप लाइट को 90 डिग्री मारते हो, कैसा मानते हो, 90 डिग्री,
फिर भले मीडियम चेंज हो भी रहा हो, लाइट एयर से ग्लास में जा रही हो, ग्लास से एयर में जा रही हो, तो भी आपको कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई रिफ्रेक्शन देखने मिलता नहीं है। जब लाइट आप कितने पे मारते हो, 90 डिग्री पे, नो डिस्प्लेसमेंट या नो रिफ्रेक्शन इज सीन। एडिशनल लॉ लेता टाइम हमारे पास कम है, आगे बढ़ेंगे फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वही वाला क्वेश्चन कहता है बेटा, वही वाला क्वेश्चन, लेकिन यहां पे इसको 3 नंबर में पूछ सकते हैं, है ना। वहां 2 नंबर का खेलता है, यहां 3 नंबर का है, हो सकता है वहां भी वो 3 नंबर में पूछा जाए, हो सकता है उसको 4 नंबर में पूछा जाए, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वही पहला क्वेश्चन है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने आपको अभी समझा दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बराबर। दो पोस्टुलेट उसके क्या होते हैं, क्या आपको लिखना है, सेकंड पोस्टुलेट को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, मेरे बच्चों को ये भी याद हो गया है। ओके, स्टेटमेंट थोड़ा आप देख लेना, टेक्स्ट बुक से अच्छा लिखना, बराबर। मेरे में थोड़ा एरर हो सकता है, एरर इसके लिए बेटा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में फटाफट आके, टाइम बहुत कम है इसके लिए वीडियो बना रहा हूं, माफ कर दीजिएगा मुझे अगर मुझसे देरी हो जाए अपलोडिंग में, तो ठीक है, बहुत सारा काम है उसके बाद भी वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, लेकिन मैं करूंगा बिकॉज इट्स माई पैशन फॉर माई स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास स्लैब का वो N1 है, क्या है N1, ठीक है। चलो भैया मान लिया द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम इज N2, कोई दूसरा मीडियम होगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 है, हाँ भाई मेरे को क्या, N1 ले ले। N1 क्या दिया है तुझे, medium 1, कोई पहला मीडियम होगा और ये है medium 2। अब लाइट मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो मुझे नहीं पता कौन एरर कौन आंसर, पूरी कहानी आगे पढ़ने के बाद पता चलेगी। नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अब मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट को मार दिया गया है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर, तो ड्रॉ द इमर्जिंग रे फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। ओके, यहां पर जरा समझो, अब आपको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने में कोई बड़ी बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों, यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। ये दो थर्ड और फोर्थ केस मैंने एक्स्ट्रा में बताया कि अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन दिखता नहीं है, थर्ड और फोर्थ केस है। पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है जब लाइट जाती है रेरर टू डेंसर, कैसी जाती है बच्चों, रेरर टू डेंसर, है ना, रेरर टू डेंसर, तो आप सबको पता है इट विल बेंड, यहां पे नॉर्मल है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी। ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस उसका उल्टा है, डेंसर टू रेरर में क्या होगा कि सर, डेंसर टू रेरर में क्या होगा, वो दूर जाएगी, वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। देखो लाइट क्या करी, दूर जा रही है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रेक्टेड रे है, डेंसर टू रेरर हो तो दूर जाएगी, रेरर टू डेंसर हो तो पास आएगी, डेंसर टू रेरर हो तो दूर जाएगी, कौन, लाइट। ओके, तो medium 1 medium 2 पता चल गया है, लेकिन सर अभी भी मेरे को नहीं पता चल रहा कि मैं इनका डायग्राम बनाऊं कैसे। बेटा देख, सिंपल क्वेश्चन है, जो बड़ा वो डेंसर, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बड़ा वो डेंसर, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स छोटा वो रेरर, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बड़ा है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बड़ा, गुरु मंत्र दे रहा हूं एग्जाम के लिए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होके आ जाए थोड़ा बहुत अल्टर होके, पर तू याद रखना ये गुरु मंत्र सर का, मार्क्स इसी से आएंगे। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर बड़ा होगा तो मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा, कैसा होगा, डेंसर। अब अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, छोटा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, छोटा, तो मीडियम जो होगा वो कैसा होगा, रेरर होगा, रेरर यानी कम रुकावट वाला, ठीक है। चलो ध्यान यहां पे देना, एक और एडिशनल याद कर लो, जब डेंसर मीडियम होता है तो वेलोसिटी जो होती है लाइट की वो काफी कम होती है, रेरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्यों सर आप ये बता रहे हो, क्वेश्चन घुमा के आ जाए, वेलोसिटी के ऊपर आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, ध्यान यहां पे दीजिए, क्या बोला यहां पे, N1 ग्रेटर देन N2। चलो N1 जो है वो ग्रेटर है N2 से, मतलब सर मेरा N1 क्या हो गया, ये लिखना नहीं अगले, बता रहा हूं आपको, ये मेरा N1 डेंसर हो गया, बराबर, डेंसर बड़ा है कौन, रेरर से, यानी N12 कौन, यहां पे मेरा डेंसर मीडियम कौन हो गया, N1 क्या हो गया मेरा, N1, क्योंकि वो बड़ा है ना, ग्रेटर देन, इसका सब मुंह खुला है ना इस केस की तरफ, तो N1 मेरा क्या हो गया, डेंसर हो गया, रेरर कौन हो गया, N2 हो गया। तो मतलब सर अब मेरे को डायग्राम बनाना है डेंसर टू रेरर, किसके लिए बनाना है, डेंसर टू रेरर, ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मेरा भले ऐसा हो लेकिन आपको अच्छा बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बाहर वाला मेरा, यहाँ पे बाहर वाला नहीं लेंगे, इसको मुझे N1 लेना है, क्योंकि N1 क्या होगा, अंदर का होगा, क्योंकि ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो मेरा ये अंदर का मीडियम क्या हो गया N1, बाहर का मीडियम क्या हो गया N2, ठीक है, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ये, ठीक है। अब चलो लाइट की बारी आ गई, क्या करेंगे, एरिया हमारी लाइट ये आती है ये वाले, अब मुझे यहां से कोई लेना देना नहीं, ऊपर से यहां से बनाओ आप,
मान लो ये इंसिडेंट रहे, लाइट यहां से तो आई होगी, कहीं से तो आई होगी, है ना, मान लो, मान लो चलो पूरे बनाना है आपको तो पूरा बना दो, कोई चिंता नहीं कि सर लाइट यहाँ से आई होगी, यहाँ पे नॉर्मल होगा तो थोड़ी ऐसी मुड़ गई होगी, है ना, तो मुड़ गई होगी तो सर ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो सर ये N1 से N2 में गई तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कैसी जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ा डॉट डायपन करके लिखना हो तो भी लिख देना, बराबर। तो सर ये N1 से N2 का डायग्राम है, क्या ये N1 से N2 का डायग्राम है, इमर्जिंग रे का डायग्राम बनाना है, ये रहा इमर्जिंग रे, ये रही मेरी इमर्जिंग रे, ये मेरी इमर्जेंट रे है, कैसी रे है, इमर्जेंट रे, कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, ठीक है। दूसरा डायग्राम क्या कहता है, दूसरा के लिए पढ़ लो, N1 इज इक्वल टू N2, देखो भैया अभी अभी आपको बताया N1 इज इक्वल टू N2, यानी सर जब मीडियम सेम हो, ये N1 है और ये N2 है बेटा, जब मीडियम सेम हो तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा, भाई तू पहले मेले में था, भीड़ में था, वापिस भी भीड़ है, तो तेरी स्पीड ना बढ़ेगी ना घटेगी भाई, वही रहेगी वही रहेगी, तो मीडियम वही रहेगा वही रहेगा, तो कोई चेंज होगा नहीं, तो तू ऐसा बना देना कि देखो सर लाइट ऐसे आ रही थी और ऐसे चली गई, ये रहा इस तरह से बॉक्स बना देना अच्छे से, कोई चिंता नहीं है, ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास टेप बन गया, तुम अच्छे से बनाना, इसको मैं बोल देता हूँ N1, इसको मैं बोल देता हूँ, अब देखो यहाँ पे दिक्कत आ गई, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पे मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ये डायग्राम चलेगा नहीं, या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ इमर्जेंट रे का बनाओ, किसका बनाओ, इमर्जेंट रे का, तुम ऐसा लिख दो ना यहाँ पे, ये N1 है और ये N2 है, ऐसा लिख दो N1 मीडियम और लाइट को कैसे भी बता दो, बराबर, और यहाँ पे लिख दो N1 इज इक्वल टू N2, भाई जब मीडियम सेम है तो रिफ्लेक्शन हो गई नहीं, लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, कोई चिंता ही नहीं, कोई चेंजिंग ही नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं, देखो N1 लेस देन N2, बड़ी गहरी बात आ गई यहाँ पे, बड़ी गहरी बात कह दी इसने, N1 लेस देन N2, भाई N1 लेस है, और बच्चों को पता है जो लेस होता है वो क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, यानी ये मुझे क्या बोल रहा है सर, रेयरर से डेंसर का डायग्राम बता, किसका बता, रेयरर से डेंसर का डायग्राम बताना, मेरी ड्राइंग पे फोकस मत करना बेटा, टाइम कम है, आप लोगों को मुझे जल्दी जल्दी बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने हैं तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन आप सब मेरे गुरु मंत्र को याद रखना, गुरु मंत्र जो यहाँ पे मैंने आपको इतना अच्छा देखे रखा है, क्या देखे रखा है, आ रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स छोटा तो रेयरर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बड़ा तो डेंसर, यहाँ पे देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स छोटा कौन है, N1, तो वो N1, तो N1 को इधर ले लो और इधर N2 को ले लो, आप चाहो तो यहाँ पे भी जो आपने डायग्राम बनाया उसको भी ऐसे बना सकते हो N1 और N2 लेके, कोई जरूरत नहीं कि आप रिफ्रेक्टिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना के ही शो करो चीजों को, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना के ही शो करो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हमको बोला इमरजेंट रे बताओ, क्या बताओ, इमरजेंट रे बताओ, इमरजेंट रे बताओ, इमरजेंट रे, ये रही इमरजेंट रे, बराबर, ये रहा बन गया, टक 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 टक, IR यहाँ लिख देना खाली N1, यहाँ लिख देना खाली N2, बस इतनी सी कमी है, इतनी सी कमी, कोई चिंता नहीं, एरो जरूर बनाना, एरो नहीं बनाओगे तो नंबर मिलेंगे नहीं, रेरर से डेंसर बनाना है, मान लो ये रेरर है, ये मेरी लाइट है, ये रेरर, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, बराबर, जब आप जानते हो रेरर से डेंसर आती है तो कैसी मिलती है, टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ मुड़ती है, नॉर्मल के तरफ मुड़ गई, मुड़ गई, रिफ्रेक्टेड रे, खत्म हो गया हमारा, बिल्कुल खत्म हो गया, ये रहा बस, ये क्वेश्चन था, है ना, तीन क्वेश्चन थे, तीनों के तीन आंसर आ गए, ब्रह्मास्त्र दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया, समासान हो गया, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, स्टेट द टाइप साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है भाई, 2f पे रखा है, पहले तो सर मेरे को ये पता नहीं था 2f क्या होता है, बेटा देख ले 2f होता है r के बराबर, किसके बराबर होता है, r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, याद रख ले, याद रख ले, या c के बराबर, इसको c भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है, r भी बोलते हैं, 2f इज इक्वल टू r होता है, है ना, समझ जाना ध्यान से, बराबर, क्या बोला है, कॉनकेव कॉनवेक्स लेंस बोला है, क्या बोला है, कॉनवेक्स लेंस, है ना, तो बेटा एक ध्यान रखना, पहले मैं तुझे चीजें बता देता हूं, मैं बना के दिखाने ही वाला हूं यहां पे कैसे बनने वाला है, बट यहां पे सिर्फ दो ही केस है, मैं देखो 6 के 6 केस याद कराता हूं, तो यहां पे ध्यान दे दे, पहला केस बेटा देख, याद रखना पोजिशन, पोजिशन कैसे लिखने की, चाहे वो कॉनवेक्स लेंस हो, तो पोजिशन तो हमेशा बेटा देख देख के आती है, पोजिशन हमको देख देख के पता चलती है कि जहां मैंने रे1 रे3 का यूज किया, जहां मैंने रे1 या रे3 या रे2 का यूज किया, जहां वो मिली उस जगह को आपको क्या बोल देना है, पोजीशन, क्या बोल देना है, पोजीशन, तो इसमें कोई ब्रह्मास्त्र है नहीं, वो आप करोगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन नेचर में मैं आपको बता दूं, नेचर में ये कॉनकेव मिरर जैसा है, याद करो कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था, वैसा ही बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा है सर, 1 to 5, 1 to 5 के लिए बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, रियल के साथ जुड़ी किसकी आती है, इन्वर्टेड की, इन्वर्टेड की आती है ना, 1 to 5 के लिए कैसा है, बिल्कुल ये रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन एक छक्के के केस में, याद रखना छक्के को, याद रखना छक्का ही दिक्कत देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या आ जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाती है, ये 1 to 6 आपको इस तरह से याद रखना है, 1 to 5 में रियल एंड इन्वर्टेड आती है,
बराबर, छह में कैसी आती है, वर्चुअल लेंथ इरेक्ट आ जाती है। अब सर आप बता दो साइज भाई देखो साइज पूछ लिया, वो नहीं भाई यहाँ पे फिजिक्स वाली साइज पूछिए कि भाई ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी। तो याद रखना बेटा, आपको मन में ध्यान रखना है कि ये मेरा अगर लेंस है, बड़ा मोटा सा लेंस बन गया, इतना होना नहीं चाहिए, ठीक है। पर मान लो यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर है ओ, ऑप्टिक सेंटर ओ, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर ओ, ये मेरा एफ है, ये उससे दुगना, ये मेरा 2f है। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि सर 2f मेरे लिए बहुत गेम चेंजिंग पॉइंट है। अगर मैं 2f से पीछे हूं तो मेरी इमेज आएगी डिमिनिस्ड, कैसी आएगी, डिमिनिस्ड। अगर मैं 2f से पीछे हूं, मेरा मैं यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर 2f के पीछे है तो साइज बेटा डिमिनिस्ड यानी छोटी ही बनेगी। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएगा 2f के बाद में जाएगा, 2f के बाद में जाएगा, यहां पे 2f के पहले डिमिनिस्ड, 2f के आगे जाएगा तो कैसी आएगी उसकी इमेज, एनलार्ज, कैसी आएगी, एनलार्ज, कैसी आएगी, एनलार्ज। तो सर 2f पे कैसी आएगी, तो याद रखना बेटा 2f भी हमारे लिए बहुत जोरदार है, सेम साइज, कैसी आएगी, सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट 2f पे खड़ा होगा तो सामने भी उसकी इमेज का आएगी, 2f पे आएगी और सेम साइज आएगी, कैसी आएगी, सेम साइज। लेकिन अगर 2f से दूर गया तो छोटी, 2f के आगे गया तो बड़ी आएगी इमेज। और याद रखना एनलार्ज हाईली कब लगाना है, देख बेटा याद रख ले, हाईली वर्ते को तब लगाना है जब क्या वर्ड आता हो, इन्फिनिटी, क्या वर्ड आता हो, इन्फिनिटी। कहीं भी इन्फिनिटी वर्ड आ जाए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या रेज इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है, तो तुझे साइज में एक वर्ड लगा देना है हाईली, क्या लगा देना है, हाईली। ये छोटा सा ब्रह्मास्त्र याद रखेगा बेटा, छे के छे केस तुझे एग्जाम में याद आ जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्ट इज ऑन 2f, ऑब्जेक्ट को भी उन्होंने कहा रखा है 2f पे रखा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक कनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर है मेरा, जो पैमेलन लाइन होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई मेरी ओ, है ना, बराबर। ओ के पास मान लो बेटा, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट देना बता देता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा पॉइंट है ये F, तो इसको मैं F1 दे दूंगा, उतने ही डिस्टेंस पे आपको F2 लेना है। मान लो आपको O से लेना है डिस्टेंस, O से 2 सेंटीमीटर पे या 1 सेंटीमीटर पे, अगर आप 2 पे बनाई दो F1 ले लो, तो उस तरफ भी O से 2 सेंटीमीटर पे F2 ले लो, F2 से फिर 1 सेंटीमीटर पे एक, हाँ एक 2F2 बना दे, इधर भी एक पे क्या बना दे, 2F1 बना दे। अब आप बोलोगे सर ये तो डबल होता है, आप तो धोखा कर रहे हो भाई, धोखा करना पड़ता है, चीटिंग है ये, नहीं बनेगा नहीं तो। तो सर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, 2F पे रखना पड़ेगा। मेरा ऑब्जेक्ट ये रहा, ये रहा मेरा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, कितनी रे आने वाली है, सर देखो रे होती है 3, बट मुझे करनी है 1 और 3 ही यूज करनी है, ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। ये रही 1 और 3 रे, सर मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी लू, 1 सेंटीमीटर ले ले, ज्यादा से ज्यादा 1.5, उससे ज्यादा लेगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो रेवन, रेवन को बना लो, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, सर कलर चेंज कर लो पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो ये मेरी गई रेवन, रेवन कहती है मैं आऊंगी पैरेलल और जाऊंगी फोकस से, ए भाई डबल फोकस से पास कराती है, ए भाई गलती हो गई, गलती हो गई, ओए क्या करे, ठीक है तुम यहां मान लेना, थोड़ी चीटिंग मैं तो कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेवन हो गई मेरी, एरो बनाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्या आवश्यक है कभी बताना, ये इंसिडेंट रेवन, ये रिफ्रेक्टेड रेवन, इनको बताना बहुत जरूरी है। रे थ्री क्या कहती है कि भैया मैं आऊंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से आऊंगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाऊंगी भी ऑप्टिकल सेंटर से, वाह वाह वाह, एकदम एक सांस में इमेज बनी है, लेकिन क्या जोरदार बनी है मेरी, रिफ्रेक्टेड रे 2, दिस इज माय इंसिडेंट रे 2, ऑब्जेक्ट को नाम दे दो ए बी, बराबर। और जहां दो रे मिलती है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड, वहां आ जाती है मेरी इमेज, क्या आ जाती है, इमेज आ जाती है। हालांकि तुम इधर समझ लेना मेरी नहीं आई है, लेकिन तुमको चीटिंग मैंने सिखा दी है, ये 2F2 है, ठीक है। यहां पे इमेज लिख देना ए डैश बी डैश, ये आ गई मेरी इमेज। अब तू बता दे पीएनएस क्या होगा, पोजिशन, पोजीशन कहां होगी, सर आप ही ने बताया जब ऑब्जेक्ट यहां पे होता है 2F पे तो इमेज भी कहां आती है 2F पे, तो पोजीशन क्या हो गई एट 2F2, क्या लिख दोगे, पोजीशन लिख दोगे एट 2F2, क्या लिख दोगे एट 2F2। चल बेटा नेचर बता, सर खुद मिली है ना रेस, मैंने तो कुछ जबरदस्ती की नहीं है, है ना। और सर आपने कहा भी था 1 से 5 केस के लिए कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, खाली छक्के के केस में कैसी हो जाती है, वर्चुअल। तो यहां पे नेचर कैसा होगा इसका, रियल, और रियल के साथ जुड़ी बैठती है इन्वर्टेड की, ये लिखना मत भूलना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, एकदम जरूरी। साइज लिख दो भाई, मेरा ऑब्जेक्ट कहां है सर, एकदम 2F पे, और आप ही ने बता दिया ब्रह्मास्त्र में भाई 2F पे हो तो क्या आती है, सेम साइज आती है, क्या आती है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना लिख देना इंग्लिश में, कोई चिंता करने की जरूरत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, कहां पे है भाई ऑब्जेक्ट, कहां है, F और 2F, ये रहा मेरा 2F और ये रहा मेरा F, इसके बीच में अगर है तो आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ये बना लो भैया कनकेव लेंस, क्या बना लो, कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, झूठ कहीं के, कॉन्वेक्स है। ये रही मेरी इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय ऑप्टिकल सेंटर, है ना भाई, ऑप्टिकल सेंटर यहां पे बनाना,
और रेस को यहीं पे लाके मुड़ाना, कुछ गधे क्या करते यहीं से मुड़ा देते गधे कहीं के, रिफ्रैक्शन को यहां पे लाना ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन से ही मुड़ाना, नहीं तो बहुत सारी चीजें मार्क्स कट जाएगा, एग्जामिनर बहुत बारीकी से दिखता है। ओके यहां पे दो दो सेंटीमीटर पे F1 और F2, फिर F1 और F2 से सर एक एक सेंटीमीटर पे ले लेंगे, थोड़ी चीटिंग करती है, थोड़ी चीटिंग, ज्यादा कितना फर्क पता चलेगा नहीं एग्जामिनर को। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है भैया, अब आपको ऑब्जेक्ट को रखना है सर मैंने F1 और 2F के बीच में, मन से लेना है ना भाई, क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ ले क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। चलो आ जाओ यहां आ जाओ, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, आपने कहा था रेवन और रेथ्री, रेवन क्या कहती है, रेवन क्या कहती है, मेरा ऑब्जेक्ट बना दो ए बी, रेवन क्या कहती है सर मैं आऊंगी, मैं आऊंगी आऊंगी पैरेलल, आऊंगी पैरेलल, देखो यहां तक लाया मैं, और यहां तक लाने के बाद मैं कैसी जाऊंगी, फोकस से, कैसी जाऊंगी, फोकस से निकल जाऊंगी, फोकस से निकल जाऊंगी। ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, IR1, दिस इज माई RR1, दिस इज माई RR1 सर। ये फिर यहां पे एक तीसरी लाइन रे थ्री क्या कहती है, मैं आऊंगी ऑप्टिकल सेंटर से, आऊंगी ऑप्टिकल सेंटर से और चली जाऊंगी, और वैसे ही चली जाऊंगी, ये रे भी थोड़ी चीटिंग बनती है, मैंने बोला ना ये रे। ओके तो दिस इज माई इंसिडेंट रे टू, दिस इज माई रिफ्रेक्टेड रे टू RR2। सर देखो दोनों कहां मिली, यहां मिली, जहां मिलेंगी वहां मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा बड़ा कर लो, ये रहा दिस इज माई ए डैश, दिस इज माई बी डैश। ओके बच्चों को ऑलरेडी पता है PNS क्या है, फिर भी लिख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, PNS पोजीशन नेचर साइज, किसकी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, गधे गई के, इमेज की है, किसकी है, इमेज की, साइज बतानी तुमको, पोजीशन नेचर एंड साइज है ना भाई, पोजीशन की कहां, इमेज की पोजीशन कहां है भाई, बियॉन्ड 2F2 कहां है, बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी उसके पार, 2F2 के पार आपको ये दिख रही है, बियॉन्ड 2F2 या 2F लिख देना, राइट हो गया आंसर आपका। नेचर सर खुद से मिली है, खुद से मिलती है तो रियल होती है, मेहनत करनी पड़े तो वर्चुअल है, ठीक है। रियल गर्लफ्रेंड ऐसी मिलती है, खुद से मिल जाएगी, रियल होगी, बता चुका हूं मैं पार्ट वन में आपको, बच्चे जान चुके उस चीज को, नहीं आता है तो भाई ब्रह्मास्त्र तो लिखा ही सर ने, रियल इन्वर्टेड 1 से 5 केस में कैसी आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सर छक्के वाला केस क्या होता है, छक्के वाला केस होता है बेटा जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, वो छक्के वाला केस है, इसके अलावा सब में रियल इमेज आने वाली है। साइज क्या है, साइज क्या है, देख ले भाई, ये रही मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा है मेरी इमेज, बड़ी लग रही है कि नहीं लग रही है। सर आप ही ने कहा था 2F के आगे अगर ऑब्जेक्ट चला जाए तो इमेज कैसी आएगी, एनलार्ज आएगी, एनलार्ज आएगी। क्या बता मैं हाईली लगाऊंगा यहां पे, ना ना सर, हाईली लगाऊंगा तो आपकी हाई लग जाएगी, आपने ही कहा था हाईली कब लगाना है, इन्फिनिटी पे लगाना है। और इस तरह से 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है पूरी ताकत से, बने रहिएगा आगे भी और चैप्टर आने वाले हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।